सो वेलकम गाइस, फिर से स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अगला मैच इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का है, उस मैच में क्या क्या होने वाला है, किस किस प्लेयर ने ब्रेक लिया है, सारी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें। अगले मैच की तैयारी में जुटी टीम इंडिया, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी ने लिया है ब्रेक। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया को अपना अगला मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ 27 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG पर खेलना है। टीम इंडिया सिडनी पहुंचकर तैयारियों में जुट गई है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज करने के साथ ही T20 वर्ल्ड कप 2021 में मिली हार का बदला लिया और साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता थोड़ा आसान किया। अब भारत को अपना अगला मुकाबला 27 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेलना है। टीम इंडिया मेलबर्न से सिडनी पहुंची और पहली प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। गुरुवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर टीम इंडिया का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था। कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, विराट कोहली, युजवेंद्र चहल ने पहले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। वहीं सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन से ब्रेक लिया। इन तीनों के अलावा तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह ने भी ट्रेनिंग सेशन से ब्रेक लेने का फैसला लिया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ यादगार जीत दर्ज की थी। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने लगभग अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में भारतीय टीम ने 31 रनों तक 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बीच शतकीय साझेदारी हुई। विराट कोहली ने 53 गेंदों पर नॉट आउट 82 रनों की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच चुने गए। विराट और हार्दिक ने पाकिस्तान के हल्क से जीत निकाली थी। कप्तान रोहित शर्मा की फॉर्म हालांकि ठीक, इंडिया के लिए सिरदर्द बनी हुई है। रोहित पाकिस्तान के खिलाफ महज 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो दोस्तों, भारत और नीदरलैंड का मैच 27 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। और आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।